देखो देखो, अनार खा के देखना कहाँ पटक दिए प्लेट। मतलब शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी तुम्हारे को सुबह सुबह? देखो तो कौन बोल रहा है। देखो सुबह सुबह काम पर लग गई है आज, उसको बड़ा ही जोर था कि कल से काम नहीं हुआ था कुछ भी, तो आज सुबह सुबह उठती है सबसे पहले बस मेकअप वेकअप उठा के और लग गई काम पर। और क्या, कुछ हुआ ही नहीं है कल पूरे दिन। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये फटेगी इसका इंतजाम। अच्छा, एंड में टेप लगा रहे हो पूरे के अंदर? ये नया निकाला क्या ऑरेंज? बताओ यार, ये लगेगा नहीं, ये तो वरना वैसे दिक्कत होती जाएगा। कैसे पकड़ना पड़ेगा? आधी आधी कट के लगेगी ये। हाँ, एक साथ नहीं लगेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में लगेगी। पता है हमारी आधे ज्यादा शीट्स ना ये लास्ट के कॉर्नर से फटना चालू होती है और फिर वो फटती चली जाती है हर बार जितनी बार निकालते हैं। कट लग जाते हैं। और ये यशित्री चंटे हर फ्रेम पहले खुद यूज करेगी, बाद में मेरा नंबर आता है। मुझे तो ध्यान ही नहीं था हमारे पास ऑरेंज भी रखी हुई है। अंदर से क्या बड़बड़ कर रही है? इधर आके बात कर, सामने से बोला कर, हिम्मत है तो कहाँ है तू? मैं तेरे सामने ही बोल सकता हूँ क्या रे? क्या बोला कि तेरे को भी याद नहीं कि अगर यहाँ पर ऐसा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बालों को कर्ल करती रहेगी, होते हैं नहीं बाल कर्ल? हो गए, ज्यादा बोलना नहीं। 2 मिनट के लिए हुए, वापस सीधे हो जाएंगे। तो पता ही, मेकअप तो करती है, काम तो करती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बिना मेकअप के अच्छी लगती है। अच्छा गाइस, कुछ कमेंट्स मैंने देखे जो कि कार से रिलेटेड थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग रेंट पर लेकर आए ये कार, मस्टैंग है ना भाई? तो अच्छा, मैं क्लियर करूं पहले एक और चीज कि मस्टैंग, पहली बात कार जो है, जो कि 2017 में लास्ट उसका मॉडल होगा, या हाँ 2017 है, जिसके बाद बंद हो गई थी कंपनी, बंद हो गई। तो यहाँ इंडिया के अंदर आपको नई कार नहीं मिलती है। मस्टैंग आपको तभी मिल सकती है जब कोई बेचने की इच्छुक रखता हो, तो आपको कार डीलर से ही मिलती है, तो समझ गए? तो वो मत बोलो यार, हमारी बैंड बज के लाने में कौन बोला? मतलब कुछ कमेंट्स आए थे तो मैंने कहा एक बार क्लियर करूँ क्यों ऐसा नहीं। आपको मैं पहले इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ना मस्टैंग कभी भी आप नई नहीं ले सकते करंटली, अभी तो क्योंकि अवेलेबल नहीं होती है वो कंपनी, फोर्ड कंपनी ही नहीं है अब तो। मस्टैंग तो कहाँ से लोगे? सिर्फ सर्विस सेंटर से उनके। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ सबको। और ये आपको हमेशा तभी मिलेगी जब कोई और बेच रहा हो, कोई डीलर बेच रहा हो, उनके पास वो कार हो तो ही मिल सकती है। ऑल्सो ये गाड़ी जब हम कभी किसी डीलर से उससे लेते हैं तो हमारे नाम होने में 1.5 महीना लगता है। तो आप अगर कहीं से सर्च करके भी बता रहे हो कि किसी और के नाम है, ऐसा है कुछ है, तो 1.5 महीना लगता है आरसी ट्रांसफर होने में। अभी अपने नाम नहीं हुई? नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अच्छा। वो जो प्रोसेस होता है वो तो हो जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन जो एक्चुअल में जो आरसी आती है ना बनके, जिसमें फिर आपको शो करता है कि ये किसके नाम है, नंबर से पता चलता है? नहीं, हाँ नंबर से, और किससे भी पता चलेगा, कैसे भी पता चलेगा। अच्छा। उसका पूरा नंबर डाल के, गाड़ी की डिटेल्स डाल के, तो हो सकता है कंफ्यूजन होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो कुछ लोग का, हाँ, और जैसे ना वो हम लोग वो नहीं कर रहे गाइस, अगर मैं वो कर रहा होता तो शायद इस कार को ही घुमा रहा होता सारी जगह की आज मस्टैंग मैंने ब्लॉग्स के लिए ली होती स्पेशली। मस्टैंग लेके वहां जा रहे हैं। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो गाड़ी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली क्योंकि इसको मैंने देख लिया था कि इसको बहुत ज्यादा पसंद है। आपने देखा होगा मैं ज्यादा मस्टैंग में बैठती भी नहीं हूँ क्योंकि सच मतलब यार मेरे को उतना मतलब वो नहीं है, मुझे ना नीचे गाड़ी थोड़ी कम पसंद है तो मैं सच में नहीं बैठती हूँ। हाँ। और ये सिर्फ उसमें ही बैठता है तो, क्योंकि वो गाड़ी हमारे लिए गाड़ी नहीं है ना, हमारा इमोशन है। और मैंने आपको दिखाया होगा ज्यादा मैं मस्टैंग के अंदर ब्लॉग्स वगैरह बनाने का या मस्टैंग से रिलेटेड ब्लॉग हम बनाते ही नहीं बिल्कुल भी। और मुझे भी उस गाड़ी में बैठ के ये नहीं कि मैं ब्लॉग बना के ब्लॉग में दिखाता रहूं पूरे टाइम मस्टैंग, इसलिए आपने इतने ब्लॉग्स में देखा नहीं होगा, हम लोग बात ही नहीं कर रहे मस्टैंग की। वो एक हमारा ड्रीम था, टारगेट था, एक वो सपना था जो हमने पूरा कर लिया, वो उसके लिए नहीं है कि हाँ ब्लॉग्स चलाने के लिए, ब्लॉग्स में दिखाने के लिए वो गाड़ी रेंट पर लेकर आ गए, 2-4 महीने में वापस चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट मैं अपनी सुयश फैमिली को क्लियर कर रहा था, मे भी हो सकता है कुछ कमेंट्स देख के अपने जो हम लोग को देखकर प्राउड फील कर रहे हैं वो भी कल को डाउट में आ जाएगी, कहीं रेंट पर तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है यार, डाउट आना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन हाँ इसलिए मैंने क्लियर कर रहा था कि हो सकता है डाउट आ जाता है क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप लोग को भी डाउट आ गया होगा इस बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी है और कहीं नहीं जाएगी। क्यों? तो हमारी तो बैंड बज गई धूप में, और क्यों? देखो देखो अंकल नमस्ते, ये ज्वेलरी कहाँ से आई तुम्हारे पास? येलो येलो, और भी आई होंगी इसके साथ? देखना देखना, ज्वेलरी आई नहीं, कपड़े आए नहीं, कि सूट तो हो गए कि सूटों के सारे? अरे हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं। चलो तो करो फिर लेके जाओ। और गाइस, मेरे को काय के लिए बुलाया है? मेरे को काय के लिए बुलाया है? ये सब बोल रहे थे कि यार अंकल को छेड़ते हैं थोड़ा सा, उनकी गाड़ी नहीं है कई दिनों तक अब उनके पास, तो बाइक पर घुमाएंगे है का है धूप, बादलों वाला मौसम हो रहा है, कभी मौसम मौसम का एंजॉयमेंट लेना चाहिए आपको थोड़ा बहुत तो कभी कभार। गाड़ी में बैठे बैठे कुछ पता ही नहीं चलता बारिश के मौसम का, सब चीजों का। अरे हाँ हाँ, तब तो धूप में आओगे, पूरा बादल दिख रहा है, पूरा बादलों में से ढका हुआ है। ये देखो कहाँ धूप आ रही है बताओ,
उमस हो रही है भयंकर। यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा है, आप बताओ धूप कहाँ आ रही है। अरे उमस हो रही है भयंकर। नहीं कुर्ता जब तो पहना नहीं सत्संग में, जब हमने डबल एक्सएल वाला का आया ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये एम साइज है, ये सही आया मेरे। हम तो आपका पेट देख के डबल एक्सएल लाए थे। क्या करे इसमें जेब भी नहीं है यार, काय में रखू मैं, कुछ रखू तो। अच्छा आप या तो ऊपर वाली जेब में रखते हैं, ये जेब हो या ये जेब हो, काय में रखू मैं। पार्टी तो नहीं दी तुम्हारी मस्टैंग की हमको? और हाँ इनको तो पार्टी नहीं दिया अपन ने, हमने खुद ही नहीं करी यार। नहीं अपन तो करे हैं, फार्म हाउस जाके आ गए ना। दोस्तों सत्संग हुए हुए 3-4-5 दिन हो चुके हैं, ज्यादा ही दिन हो गए हैं, लेकिन अब ये हिसाब के लिए लड़ रहे झगड़ रहे दोनों। अंकल अंकल नाम लगा रहे हैं, बोले वो खर्चा तो हुआ नहीं, वो पैसे कहाँ गए यार। लड़ झगड़ मेरे, मैंने कभी आज तक कीर्तन का हिसाब नहीं रखा, जो आए जो गए, जैसे आए जैसे गए। फिर आज क्यों कर रहे हो? फिर आज क्यों कर रहे हो? आज पानू बोला, बोला अंकल अब की बार क्या करो, अपने कीर्तन का वो हिसाब रखो, ताकि अगली बार अपन करेंगे ना, हाँ। तो अपने को ज्यादा वो एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा इसलिए लगा रहे हो क्या साहब? अपने को आइडिया रहे भाई, अपने इस को इतने इतने पैसे दिए हैं। ठीक है लिस्ट, और एक्चुअल में पता चल जाएगी आंटी के पास कितने हैं। हाँ। मेरी बात सुनो वो तो हर बार कीर्तन में तो हर बार पैसा ज्यादा ही लगता है। हाँ। अब की बार तो और कीर्तनों से भी ज्यादा लगा है। हाँ। कीर्तन का हिसाब लगाते मेन ध्यान जा रहा है, मेहंदी पोशाक ब्यूटी पार्लर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सारे इसमें तो खर्चे ही है। नहीं नहीं वो कहाँ से, और कहाँ से आएंगे? वो तो मेरी बेटी देती है 2,500 रूपए उसको, पार्लर वाली को और मेहंदी वाली को। वो तो मेरी बेटी ने दिए थे मेरे को। इसमें आपके चाय के लिखो पहले तो। हाँ, चाय और पेट्रोल के। हाँ गाइस आप लोगों को एक अपडेट नहीं दी मैंने, एक तो आप लोग इतना दूर दूर क्यों बैठते हो, पति पत्नी होके भी इतना दूर दूर बैठते हो? पति पत्नी आप दोनों, किसने कहा क्या होनी, क्या होनी, क्या किसने कहा ये बता। क्या मम्मी तो खा रही है रबड़ी गुलाब जामुन, इनको बताया किसने अपने घर में रबड़ी गुलाब जामुन है? रे यार ये बात तो सही है यार, आप तो खुद जाके बोल देते हो चाय पानी के लिए सबके लिए। हाँ। आंटी बोलती नहीं, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। चाय की तो मैं यहीं से आवाज लगा देता हूँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, आंटी तो चाय के लिए भी नहीं बोलती। खाने की तो मैं थोड़ी आवाज लगाऊंगी, क्या है क्या नहीं, तो चाय के लिए बनवा के। हाँ खुद ही पी लेते हो आप, तो हमसे पूछते भी नहीं, हमारे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। बोलने की जरूरत नहीं है चाय के लिए, तो मौसम और वो अपने आप बना के दे देते मेरी शक्ल देख के। तो आप लोग भी खाओ गुलाब जामुन और रबड़ी। अरे आंटी क्यों दिया, इनको क्यों दिया? आंटी ज्यादा प्यारी है क्या? नहीं यार अंकल हमारे ज्यादा प्यार है, तो हम आपका ध्यान रख रहे हैं ना, आपको ज्यादा नहीं खिलाएंगे, पेट मोटा होता जा रहा है। हम चाहते हैं आप स्मार्ट बॉय बन जाओ एकदम, अगर ऐसे मोटे मोटे पेट रखोगे तो दूसरी आंटी नहीं आएंगी। अरे मेरी बात सुन, ये जिंदगी है। हाँ इसको खा पी के मस्ती से जियो। चलो ठीक है, जियो जियो जियो, खाओ खाओ लो, खाओ 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 खाओ, अरे खा लो। और आंटियों की चिंता मत करे, आंटियां तो खूब आ जाएगी। देख लो आगे क्या है, यस होगी इन्वेस्टिगेशन, सही से हो गया सब। आया था भाई बंदा, उसको वही फुटेज सब कुछ दिखा दी पैकिंग की। हाँ अपने कैमरे में है सब कुछ, रिकॉर्ड की गाइस। अभी वो जो डिलीवरी शूज आए थे उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम आई, वेयर हाउस हमारे पास सीसीटीवी लगे हुए, हमने सब कुछ दिखा दिया, अब वेट कर रहे हैं चीजें सॉल्व हो जाए। इससे यार दरअसल क्या है कि बदनामी होती है यार, हम अपनी लेकिन अपनी गलती नहीं है, वो क्या कर सकते तो नहीं है, लेकिन लोग तो ये सोचेंगे ना कि लोग चीटिंग कर रहे हैं, बता दिया ना हमने ब्लॉग में, इसलिए तो हमने ब्लॉग में बता दी सारी चीजें। और अंकल अपन क्या है ना, उनको जो भी उनका है ना, जैसे किसको रिफंड चाहिए तो अपन रिफंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं की जुला रहे हैं। हाँ अपन ने तुरंत ही कॉल पर उन सबसे बात कर लिया, फिर काम हमने तुरंत ही कॉल पे बात कर लिया, उनसे पूछ लिया कि आप लेट हो गया ऑर्डर, आपको रिफंड चाहिए, आपको तुरंत रिफंड दे, सबको भेज दिया अपन ने, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए। हाँ 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 पता है, 5 दिन से येलो कलर की टी शर्ट पहन के घूम रहा, लोग बोल रहे एक ही टी शर्ट है इसके पास, लेकिन एक बार तो इतने को आया बिल्कुल सही टाइम पे, बस खत्म ही हो गया चूरमा। आप लोग को एक बात तो मैं बताने भूल गया, बता दी थी क्या अंकल आंटी को, पापा सरप्राइज दे रहे हैं कार लाके। पापा दे रहे तुम लोगों? हाँ तो ये सरप्राइज का वहाँ पर तो पता चल गया। अरे वो तो मेरे को पता चल गया पीछे से, कैसे? अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया क्या ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। वो तो क्या हुआ, उनकी जो कार है ना उसमें क्या हुआ, इंजन जिस पे सपोर्टिव होता है ना वो टूट गया, अब वो उनकी वो आ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता।
हाँ, तो अब वो गाड़ी के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब इसको तो अब सॉरी कर दो इसकी और इसको रख दो कहीं साइड में। हाँ, तो फिर पापा ने काफी पुरानी हो गई वो। हाँ, तो फिर पापा ने कोई कार बुक करी है उनके लिए खुद के लिए, अब वो छोटी कार लेकर आते हैं तो बोले कि मैं अब सरप्राइज ही दूंगा तुम लोग को जो भी ला रहा हूँ। एक और वहाँ मतलब उनको हम लोग को तो मना ही कर देते हैं वो साफ ही, बोले हमें को नहीं चाहिए तुम लोग फालतू, तुम्हारी बड़ी गाड़ियां तुम्हारे पास ही रखो। जैसे इनको बाइक ला दो कोई बढ़िया सी है ना, इसको तुम ही रखो, अमीर को तो मेरे हिसाब से, जैसे काम के हिसाब से अपने हिसाब से अपनी एक सेट होती है गाड़ियां। अभी मेरे को एक दो दिनों ने कहा बोले इस गाड़ी को करो रिजेक्ट और इसको ले लो एक्टिवा स्कूटी। मैंने कहा मेरे नहीं सूट करती एक्टिवा स्कूटी, मेरे को तो बाइक चाहिए तो बाइक। हाँ मतलब जिसके जो सूट होती है, पापा ने बोला बोले जैसे अपनी गाड़ी ये किया है वो है बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, नई मकान के साथ नई गाड़ी अच्छी। हाँ मेरे पेरेंट्स के पास भी अच्छी गाड़ी हो जाएगी, तुम्हारे पास भी अच्छी गाड़ी हो जाएगी, हमारे पास भी है, चलो सब अच्छे अच्छे। हमारे वाली अच्छी नहीं है, मजा नहीं है। पापा तो आपके वाले से भी छोटी ले रहे हैं, उनको छोटी गाड़ी पसंद है, वो तो मार्केट में जाके बोलते हैं सबसे छोटी कौन सी वो बता दो ताकि मैं गलियों में फटाफट ले जाऊं। नहीं भाई मेरे लिए तो i20 सबसे बेस्ट है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। एक बात बताओ ये यहाँ पर क्या लगा लिया तूने? जल गया, कोलगेट लगाई है। कैसे जल गया? स्टीम प्रेस से, वो बैठा है लंबू इंसान। जल गया, एक बात बताओ मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ उसको। हाँ। पता उसका पैर है। हाँ। चिल्ला रही है पर पीछे नहीं कर रही उसको, मुझे थोड़ी दिख रही इतनी लंबी ड्रेस थी वो नीचे तक लटक रही थी उसकी, उसका पैर है उसके पीछे। सुबह यहाँ बैठा था दो चाटे मारी सुबह पहले आके, ये छुटकी पीटने लग गई भाई सबको, पिटी भी गई तो। बाकी सब लोग गए कुछ काम से और मैं जा रहा हूँ अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। बहुत ऊंची सीढ़ी है, देखे चढ़ पाती के, चढ़ चढ़ चीटेंगे, चढ़ 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 क्या चढ़ रही है। दोस्तों फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आया था, यहाँ हो गई चोट, कल ही तबीयत ठीक हुई है और आज फिर भीग गया मैं बारिश में, स्टार्ट भी नहीं करी थी प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंचा था और बारिश आ गई, पूरा मजा खराब कर दिया आज का। शिट, भाग कर आया हूँ, पूरा गीला हो चुका हूँ, वापस फ्लैट जाऊंगा, ड्रेस चेंज करूंगा और जिम के लिए निकलूंगा, वर्कआउट करना जरूरी है। यहाँ पर आए थे काम से और इतनी तेज बारिश हो रही है यार, ये कैसे जाऊँ मैं? अरे इधर आ, इधर आ, इतने जी चलो मीको चल, बस वही प्रॉब्लम है बैठे कैसे। ओहो अब ये उतरने की दिक्कत है। अरे राम रे कैसे बैठेंगे हितेश जी, आप गाड़ी आगे, अरे हितेश जी गाड़ी पीछे करो, कम ऑन हितेश जी, कम ऑन कम ऑन, ये बात। हम यहाँ पे खड़े भीग रहे हैं और यार मेरे अपन कैसे पार करके जाएंगे इसको, तो मैं बोल रही हूँ आले अरे भाई ले आओ इधर ले आओ, हम तो नहीं आ सकते भाई साहब। ए भगवान, अरे वो तो बैठ नहीं पा रही, कहीं जा रही हूँ बैठ, ये बात बैठ गए, फुल एडवेंचर गीली हो गई। हमें जाना तो सीधा था पर अब हम लोग यू टर्न ले रहे हैं क्योंकि सांगानेर में इतना ज्यादा पानी भर चुका है इस वक्त, अगर हम वहाँ पर गए तो फंस जाएंगे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जो काम करने जा रहे थे अब उसे हमें डिले करना पड़ेगा। समोसा, ये देखो समोसा, यार मौसम के मजे तो ले लीजिए। बेचारे हितेश भी ऐसे आगे होके गाड़ी चला रहे हैं, इतनी गंदी विजिबिलिटी है इसकी, कोई हद नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मेरा तो पता है ना गाड़ी से कैसा नाता चल रहा है। तुम्हें तो दो मिनट ही बारिश आई थी, पानी देखो कितना भयंकर भर रहा है। आप रे, वो अपने साथ क्यों नहीं गया था, क्योंकि उसको फुटबॉल प्रैक्टिस था ना, वो फुटबॉल प्रैक्टिस पे जा पाया ना, उसको मस्टैंग चलाने को मिली, घर पे बैठा बी हो गया उल्टा, क्या गीला होके कपड़े ढूंढ रहे। अरे बाप, बारिश आके यार घरों में ऐसे बाल्टी ना रखी जाए टपकते हुए पानी के लिए, इंडिया में बारिश का मजा। हाँ भाई क्या सीन है, खेलने गए थे वापस आ गए, वो तो दिख रहा है भाई, वो नीचे चल जाओ जिम बुला रहे। अरे यार वो पागल है क्या, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी भानु, क्या हो गया, उंगलियां फोड़ रहा है। कम ऑन कम ऑन हितेश जी, मारो 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 भाई, चलते फिर देना मेरे, पता नहीं कितनी बार मारेगा, सुतो 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 गाइस मुझे बचाओ तो सारी कोई। एक दिन बताऊं क्या ये ना मारते रहता सबके इधर उधर जाएगा किसी को, हां अभी मेरे मारी यहां पे आया आया मजा आया भाई, मेरी उंगली उंगलियां बचा के रखनी पड़ी, गोपाल है गोपाल गोल बाल लगा उंगली उंगली। मैं और मीकु जा रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा था, हम लोग का मन हो गया दुर्गा घूमने का, तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे हम निकले थे आइसक्रीम लेने के लिए लेकिन बारिश की वजह से नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। कैमरा गंदा है, कैमरा तेरा मुंह गंदा है। गाइस घर पे बोले राजमा चावल, हम दोनों का मुंह गंदा है। देखो आज खाने में मेन्यू चेंज, राजमा चावल और सबसे बेकार चीज देखो, सबने मेरे बिना खाना खा लिया, अकेले बैठ के खाना खा रहा हूँ, वो देखो वहाँ बैठी ठूस के, ये देखो यहाँ बैठी ठूस के, मतलब हद हो गई हद। फोन बात करने लग गए, फोन करते हैं मैसेज करते हैं जब तक तू देखता नहीं है, क्या करा तो है, मेरी भैया है या है।
तो क्यों नहीं देखता? तो कहीं स्टक होगा ना, जब तो नहीं देखता। स्टक होगा तो कितने मैसेज करे थे तेरे को? क्या बोला था सुने? मैंने बोला था कब आएगा, आ जा। हाँ तो ये नहीं बोला था, भानु ने भी किया। तूने ये नहीं बोला था कि खाना खा ले? अरे सबकी हालत खराब थी भूख से, समझ आई? तो क्या मैं भूखा नहीं था? तुम्हें लगती है भूख? सही बात है, हमेशा मेरे बिना खाना खाएगा, इसके बिना खाना खाता। देखो नौटंकी, देखो उसकी नौटंकी कब खाया मैंने? आईब्रो नीचे कर ले, नौटंकी। चल बैठ तो जा मेरे पास में। अभी क्या कर रही हूँ मैं? हाँ ठीक है।